फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग है मंडे डिनर ब्लॉग, और इस ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों को बहुत ही इजी, क्विक एंड टेस्टी सी रेसिपी आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आज की रेसिपी है मेरी सेवसन, और ये जो सेवसन की रेसिपी है वो गुजरात से बिलोंग करती है, क्योंकि मेरा मायका गुजरात में है। और शादी के पहले जब मम्मी बनाती थी तो हम सभी लोग बड़े चाव से खाते थे, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है सेवसन। और शादी के बाद जब मैंने यहाँ पर भी ट्राई की और सभी लोगों को खिलाए, तो यहाँ पर भी सभी लोगों को बेहद पसंद आई है। आज मैं वही रेसिपी आप सभी लोगों के साथ भी ट्राई कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। जब आप डेली डिनर से, डिनर की रेसिपी क्या है, आज क्या बनाए, दाल सब्जियों से जब आप बोर आ जाओ, तब आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। चलो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो गुजरात का फेमस सेवसन बनाने के लिए यहाँ पर मैं प्रिपेरेशन कर रही हूँ, और आज मेरे हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी, तो बस मैंने सोचा क्यों ना बना लिया जाए। और डिनर में मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा था कि क्या बनाए, डेली वही दाल सब्जियों से बोर आ गई थी। तो ये एक बहुत ही क्विक एंड इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने 3 छोटी साइज़ के ऑनियन को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है, एकदम बारीक चॉप करूँगी मैं, एकदम दरदरा क्रश टाइप का करना है हमें। तो बस यही साइज मुझे चाहिए, तो इसको मैं क्रश कर लूंगी। उसके बाद फिर मैं रख दूंगी यहाँ पर कढ़ाई, और कढ़ाई में तेल गरम हो जाने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और ये पेस्ट जो मैं यूज कर रही हूँ बिल्कुल फ्रेश पेस्ट है, बिल्कुल भी स्टोर वाला नहीं है कि स्टोर करके रख दिया और बस वही डाल दिया। उसमें कुछ एक अजीब सी स्मेल आती है, जब भी आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट करो, फ्रेश ही बनाओ, उसके बाद आप यूज़ करो। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑनियन डाल दी है, और ऑनियन को हमें थोड़ा सा अच्छे से पकाना है। ऑनियन की मात्रा मैं यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ही रखूँगी, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। और थोड़े से यहाँ पर करी लीव्स मैंने डाल दिए हैं, ताकि टेस्ट जो है वो अच्छे से उभर के आए। और यहाँ पर मैं एक हरी मिर्च इस तरीके से रफली चॉप करके डाल दूँगी, बिकॉज ऑफ मुझे सेवसन में रफली चॉप की हुई हरी मिर्च जब मुंह में आती है बहुत अच्छी लगती है। तो प्याज हमारी पक रही है, साइड बाय साइड मैं टमाटर भी चॉप कर लूँगी यहाँ पर। तो टमाटर भी मैंने 3 लिए हैं, क्योंकि टमाटर और प्याज की मात्रा इसमें ज़्यादा ही चाहिए। तो बस इस तरीके से मैं टमाटर को भी सेम चॉपर में क्रश कर लूँगी। और ये मैन्युअली चॉपर ने मेरा बहुत ज़्यादा काम हल्का कर दिया है, नहीं तो फिर बारीक चॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, टाइम भी लगता था। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, प्याज के साथ करी लीव्स डाल दी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है करी लीव्स से। और सेवसन में करी लीव्स तो मस्ट है, उससे अच्छी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पर प्याज मेरी हो गई है, उसके बाद फिर मैं डाल दूंगी टमाटर हमारे बारीक चॉप किए हुए, और ये है लाल मिर्च का पेस्ट, सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्च का पेस्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिया है। तो बस इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, और यहाँ पर धनिया पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला है, और बिल्कुल भी मैंने कोई भी मसाले यूज़ नहीं किए हैं। और अच्छे से हमें इस मसाले पेस्ट को अच्छे से पकाना है, जितना अच्छा आप मसाला पकाओगे सेवसन का, उतनी ही टेस्टी सेवसन बनने वाली है। तो इसको मैं ढक देती हूँ, इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो देखिए मसाला हमारा कुछ कुछ पक गया है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सेवसन का स्पाइरन गरम मसाला। आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पाव भाजी मसाला डाल सकते हो, कोई भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला।
और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये मसाला डालने के बाद जो खुशबू आती है बहुत ही लाजवाब खुशबू आती है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं फ्रोज़न पीस, और इसको मैंने नॉर्मल पानी में कुछ देर रखा था और उसके बाद धुल के और फिर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा मसाला जो है वो उसने तेल छोड़ दिया है और अच्छी खुशबू भी आने लगी है, काफ़ी दानेदार मसाला भी हो गया है। तो इसको बस मैं इस तरीके से ढकूंगी नहीं और थोड़ा सा खुला छोड़ दूंगी और इस तरीके से पकाऊंगी 2 मिनट के करीब हिला हिला कर। इसका मसाला जो है इसी में देर लगती है, बाकी तो बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाता है। और बस मसाला हमारा पक गया है, मसाले पकने में करीबन 4 से 6 मिनट लगे हैं। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया यहाँ पर ढेर सारा पानी, क्योंकि ये सेवसन जो है वो थोड़ी सी पतली ही बनती है। तो जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए, जितनी भी आपको करी चाहिए, थिक या फिर थिन, एज योर विश आप रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें बॉईल करना है पानी को थोड़ा सा अच्छे से, इसकी जो भी तली है वो ऊपर आ जाए जब तक। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे वो उबलना शुरू हो रहा है और तली भी काफ़ी अच्छे से ऊपर आ रही है। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सेवसन बॉईल हो रही है और आपको दिख रहा होगा तेल जो है वो हल्का हल्का सा ऊपर आने लगा है। इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सेवसन पककर रेडी है और इसको मैंने फिनिशिंग टच दिया है धनिया पत्ती से, हरे धनिया पत्ती, और ये काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी है ये रेसिपी। तो बस सेवसन बनके रेडी है, इसको मैं सर्व करती हूँ। तो उसके लिए एक ऑनियन मैंने इस तरीके से कट की है राउंड, और सेवसन मैंने सर्व की है। और ये सेवसन जो है इसके ऊपर आप इस तरीके से सेव वाली नमकीन ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एज ए सूप भी आप इसको पी सकते हो, सूप टाइप का होता है ये, और इसको आप बन के साथ भी खा सकते हो। गुजरात में तो लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड भी बस तुरंत ही गर्मा गर्म मैंने उनको सर्व कर दिया है और वो टेस्ट कर रहे हैं, और उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो बस सेवसन तो मेरी बनके रेडी है, अब हम मिलके बस खाने की देर है। तो विदा लेती हूँ आपसे, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट व्लॉग या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। और हाँ, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।